मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को अब उनके नए भैया मिल गए हैं और वो हैं डॉक्टर मोहन यादव। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अब जगह जगह जाकर लाडली बहनों के बीच राखी बनवा रहे हैं, बहनों के लिए गीत गा रहे हैं और अपनी सरकार की ओर से महिलाओं को दी जा रही सौगातों का प्रचार भी कर रहे हैं। आज से उन्होंने अपने राखी दौरों की शुरुआत कर दी है। जो कांग्रेस कल तक कह रही थी कि लाडली बहना योजना बीजेपी की नई सरकार आते ही बंद कर देगी, उसका जवाब मोहन यादव अपनी सभाओं में इस तरह से बहनों के बीच जाकर और उनका दिल जीत कर दे रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। गुरुवार को प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की लाडली बहनों को सौगात दी। मुख्यमंत्री ने आज जगह जगह जाकर लाडली बहनों के उपलक्ष में रखे गए कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पहले सीएम चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने पहले तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा रोपा, फिर प्रदेश स्तरीय आभार सह उपकार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम ने मंच से गाना गाते हुए बहनों को राखी का उपहार दिया। सीएम ने यहां 104 करोड़ के 9 कार्यों का शिलान्यास और 27 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया है। उद्यमिता परिसर के विवेकानंद सभागार में चित्रकूट यूनेस्को जियो पार्क स्थापना की कार्यशाला में भी शामिल हुए। उसके बाद प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव सिंगरौली पहुंचे, प्रदेश की बहनों से राखी बंधवाई। ये राखी कोई साधारण राखी नहीं थी, बल्कि पूरे 110 फीट की राखी सीएम ने लाडली बहनों के हाथों से बंधवाई और फिर उपहार में प्रदेश भर की लाडली बहनों को 250 रुपए की बड़ी सौगात दी। सामने ही हमने कहा था कि 1250 तो देंगे, लेकिन इस बार रक्षाबंधन में और चार चांद लगेंगे। हमने कहा 1250 तो है ही, लेकिन 250 रुपए और भी मिलेंगे। 250 रुपए प्रत्येक बहन के खाते में आने वाले हैं, जो कि महिलाओं के खाते में लाडली बहना योजना के तहत आने वाली राशि के साथ आएंगे और महीने की 10 तारीख को मिलेंगे। अरे बहनों की सशक्तिकरण के लिए, अरे 250 रुपए से अगर बहन के हाथ में 10 तारीख को चले जाएंगे तो गरीब से गरीब बहन भी आनंद से रक्षाबंधन मनाएगी। कोई मिठाई लाएगी, कोई राखी लाएगी, कोई आनंद से धूमधाम के अपने भाई के पास जाएगी। ये कार्यक्रम कई मायनों में खास रहा। जहां प्रदेश के मुखिया को 110 फीट की राखी बांधी गई, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद लाडली बहनों के बीच जाकर राखी बंधवाई और ये सिलसिला पूरे 15 दिन तक यूं ही चलेगा, जहां प्रदेश के सीएम बहनों से राखी बंधवाएंगे। 3 अगस्त को दमोह नरसिंहपुर पहुंचेंगे, 5 अगस्त को बालाघाट, मंडला, बैतूल जाएंगे, 10 अगस्त को श्योपुर और टीकमगढ़ पहुंचेंगे और 17 अगस्त को अनूपपुर डिंडोरी में जाएंगे। इन जिलों में मुख्यमंत्री स्वयं जाकर लाडली बहनों को उपहार संदेश और आभार पाती देंगे, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करेंगे और तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार। जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी समाज में घुल मिलकर ही अपना दायरा फैलाती है, तो सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक और मंत्रियों को भी रक्षाबंधन के मौके पर अपनी विधानसभाओं में जनता के बीच जाकर त्यौहार के कार्यक्रम करने और लाडली बहनों से राखी बंधवाने को कहा गया है। इसलिए इस बार का रक्षाबंधन कुछ अलग होगा, कुछ नए रंग में रंगा होगा।